हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रायसेना डायलॉग के बारे में, क्या इसके इम्पोर्टेंस है। सो इस वीडियो में हम प्राइमरीली तीन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है कि आखिर में रायसेना डायलॉग क्या है, दूसरा रहने वाला है क्या इसके जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, और तीसरा जब कोई देश इतना बड़ा एक इवेंट, जियोपॉलिटिकल इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है तो उसके क्या पॉसिबल बेनिफिट्स होते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। एक और मैं क्लेरिफिकेशन आप लोगों को दे दूं कि ये जो मैंने थंबनेल में जो पिक्चर यूज किया है, ये 2023 का पिक्चर है, क्योंकि मैंने ये थंबनेल एक दिन पहले ही डिजाइन कर लिया था। 9th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग को 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसको कि इनॉग्रेट करने के लिए हमारे पीएम मोदी आते हैं और साथ में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कैरियाकोस भी आते हैं। और ये इवेंट जिस तरीके से इनॉग्रेट हुआ था उसको देख के हम कह सकते हैं कि ये काफी वेल प्लान्ड और वेल मैनेज तरीके से हम लोगों ने रायसेना डायलॉग का 9th एडिशन को कंप्लीट किया। अब सवाल ये हो सकता है कि आखिर में ये रायसेना डायलॉग होता क्या है। तो ये हर साल होने वाला एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि मेजरली फोकस किया जाता है जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को। ये दो टर्म अपने आप में इतना बड़ा, इतना वास्ट है कि दुनिया भर के जितने भी जो इवेंट्स होते हैं वो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ तो बहुत देशों का जो इकोनॉमी था वो उससे हैम्पर हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी उससे बहुत हद तक प्रभावित हुआ। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर हो रहा तो ये भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल टेंशन को बढ़ा रहा है। अगर मैं जियो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बीते कुछ समय में जिस तरीके से गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के आसपास कार्गो शिप को टारगेट किया गया हाउथी रेबल्स या सोमालियन पैरट्स के द्वारा, अगर वो सारे अटेम्प्ट सक्सेसफुल होते तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्फ्लेशन था वो बढ़ जाता। और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं। किसी भी कॉन्फ्रेंस या किसी भी प्लेटफॉर्म का जो इंपॉर्टेंस होता है वो तब और बढ़ जाता है जब उस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग फील्ड के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज हमें देखने को मिला रायसेना डायलॉग में। वहां पे बिजनेसमैन, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, तकरीबन अटेम्प्ट किया गया था कि जितने भी जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, लोगों से मिले, लोगों से बात करें और जो अपने विचार हैं उसको एक्सचेंज करें। सो ज़्यादातर क्या होता है कि कॉन्फ्रेंसेस में या डायलॉग्स में जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं वही आते हैं, लेकिन रायसेना डायलॉग को कोशिश किया गया है कि इस तरीके से डिज़ाइन करने का या ऑर्गेनाइज करने का कि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल होते हैं, यानी कि जो बेस लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी जगह दिया जाए, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी जगह दिया जाए, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक ग्लोबल इवेंट है तो जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो तो आते ही आते हैं। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि जो रायसेना डायलॉग का एक जो ब्लूप्रिंट है या जो इसका आइडिया है वो आइडिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, जिसमें कि तकरीबन सभी स्फीयर के लोगों को पार्टिसिपेट किया जाए, लोकल लेवल एम्प्लॉय से लेके हायर लेवल एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसमें इंक्लूड किया जाए। अब क्योंकि रायसेना डायलॉग का जो थीम है या जो इसका जो कोर है वो कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को इनवाइट करना होता है, तो जब भी भारत के बाहर का जब डायलॉग होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें कि अलग अलग देशों के लोग आते हैं तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल होना शुरू हो जाता है। तो रायसेना डायलॉग को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको डिजाइन करते हैं और मैनेज करते हैं। अब दिमाग में ये आ सकता है कि आखिर में ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है। तो ये रहा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का वेबसाइट, और इसके हिसाब से ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी भी फील्ड के जो लोग हैं वो आके अपने आइडिया को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडिया को बता सकते हैं। इन अ वे अगर मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो भारत जैसे कॉम्प्लेक्स देश में ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म रहे जहां पे लोग आके अपने आइडिया को एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इकोनॉमिस्ट अपने विचारों को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो उसके पास आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट या सोशल मीडिया कह ले या ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म जो कि इजिली एक्सेसिबल रहे, तो वैसा ही कोई एक प्लेटफॉर्म आप समझ लें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को, जिसको कि 1990 में स्टार्ट किया गया था। और अगर आप इसको थोड़ा सा वेबसाइट को और भी अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये दिख जाएगा रायसेना डायलॉग 2024 ये इसका थीम है, क्योंकि ऑब्जर्वर
रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो हर साल रायसेना डायलॉग को ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। और अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ अगर आप इस वेबसाइट को जाना चाहें, और खास करके वैसे लोगों को इस वेबसाइट को पढ़ना चाहिए जो यूपीएससी या जो पीसीएस जैसे एग्जाम को देते हैं, अगर आप इसमें आर्टिकल्स को देखेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि इस वेबसाइट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकल रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं क्वाड के ऊपर है, ये एशियन कंट्रीज के कंट्री के ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो उनको ये वेबसाइट जरूर पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि रायसेना डायलॉग एक एनुअल इवेंट होता है तो हर साल का कुछ एजेंडा होता है, कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है जिसके ऊपर बातचीत की जाती है। तो इस बार का जो पॉइंट था या थीम था वो था कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट, और जो थीम था वो थीम था चतुरंगा। अब चतुरंगा एक हमारे मिडाइवल टाइम में एक स्पोर्ट्स था जो कि सिमिलर टू चेस गेम था। अब जब मैं कह रहा हूँ सिमिलर टू चेस गेम तो ये चेस गेम नहीं था, लेकिन उसकी तरह ही कुछ आसपास मिलता हुआ कुछ ये भी एक गेम था। और इसके और भी बहुत सारे मतलब होते हैं क्योंकि चतुरंगा एक नॉर्मल एक संस्कृत वर्ड्स है जिसका कि मतलब होता है चार पिलर, या इसको अलग अलग तरीके से आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। इस थीम को अगर हम थोड़ा सा और भी ब्रॉड करें तो हमें ये समझ में आता है कि टेक फ्रंटियर रेगुलेशंस एंड रियलिटीज। अब जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ा है, कोई भी किसी का आवाज निकाल के गाने बनाता है या बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति का जो आवाज है उसको कॉपी कर लेता है, तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है लेकिन इससे जो सोसाइटी है, जो प्राइवेसी है, उसको भी काफी खतरा पहुंच रहा है। ये चीज हम देख सकते हैं, जो फ्रॉड है वो भी काफी बढ़ता हुआ जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दूसरा है पीस विद द प्लैनेट इन्वेस्ट एंड इनोवेट। अब जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में है, उसके बाद इसराइल और गाजा या कह लें कि हमास वॉर में है, तो इन सब से क्या होता है कि वॉर शुरू तो होता है किसी एक कोने में लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट बन जाता है। तो जितना जल्दी हो सके ग्लोबल टेंशन को रिड्यूस किया जाए, उसके ऊपर बात किया जाए, और जो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहां पे देशों को लाया जाए और कोशिश किया जाए कि बातचीत के थ्रू, डायलॉग के थ्रू जो भी मसला है उसको सॉल्व किया जाए। अब अगर कोई ये पूछता है कि आखिर में ये रायसेना डायलॉग एक ग्लोबल इवेंट कैसे है, तो ये ग्लोबल इवेंट इस तरीके से है क्योंकि 2024 में 115 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यही अपने आप में एक बहुत अच्छा और बेहतरीन एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि रायसेना डायलॉग एक ग्लोबल इवेंट क्यों है। और उसमें से भी कुछ 2500 से भी ज्यादा प्रोमिनेंट लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जब कोई देश इतना बड़ा एक ग्लोबल इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है या करवाता है तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका होता है जहां पे वो अपने देश का जो कल्चर है उसको आगे कर सके, इनडायरेक्टली अपने टूरिज्म को प्रमोट कर सके। तो जब टूरिज्म प्रमोट होगा तो कहीं ना कहीं उस देश का जो इकॉनमी है उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और ऐसे इवेंट्स में बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स होते हैं जो ऑफ कैमरा मीटिंग्स होते हैं, तो वो सब मोमेंट भी काफी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है जहाँ पे देश अपने विचार को सामने वाले के सामने रख सके और चीज़ों को कोशिश करे कि वो अपने हिसाब से डिज़ाइन एंड डेवलप करें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।